दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों अगर आपका भी जनधन खाता है तब आपके लिए बड़ी खबर। अब सभी जनधन खाते वालों को खाते में आएंगे 15,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी बड़ा फैसला किया है कि सभी जनधन खाते में 15,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके भी बैंक खाते में 15,000 रुपये कैसे आएंगे, किस योजना के तहत आएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, जनधन खाते में 15,000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार। नई दिल्ली नोटबंदी के तहत आम लोगों को सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है। नोटबंदी से सरकारी खाते में 2.5 करोड़ रुपए आने की संभावना है। ऐसे में इस विकेट टिकट रिफॉर्म में खराब होने से अपनी छवि को चमकाने के लिए सरकार आम लोगों के खाते में करीब 15,000 रुपए ट्रांस गंभीरता में से विचार कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो कुल 25.4 करोड़ जनधन खाते में 80% खातेदारों को इसका फायदा मिल सकता है। इससे सरकार की अधिक मकसद भी पूरे होंगे। चुनाव के साथ फाइनलेशन प्रोग्राम भी सरकार के लिए अहम है। सरकार का मकसद लोगों को यह बताना है कि हो सकता है कि काले धन की कमाई अपने पास बल्कि आम लोगों को दे सकती है। किन किन लोगों को मिलेगा लाभ, जैसे जीरो बैलेंस खातेदारों के परिवार इसके लाभ लेने की हकदार हो सकते हैं। देश में इसके समय लगभग 25 करोड़ परिवार हैं। सरकार तय करेगी कि सभी जनधन खाते में मिलना चाहिए या फिर एक परिवार के ही एक खाते में। सिस्टम में लगभग 17 करोड़ रुपए इनका 86% हिस्सा यानी लगभग 14.5 करोड़ रुपए 500 और 1,000 के नोट। इसमें 2 रुपए नोटबंदी के बाद डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा हो चुके हैं। अधिकार के समय बता दें आपको कि 5 करोड़ रुपए तब बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आए। इन्होंने आरा दी सरकार के अनुसार वास्तव में RBI की ओर से जारी हर 1 रुपए के प्रतीक उनके लाइब्रेटरी बनती है। ऐसे में अपनी लाइब्रेटरी में कभी भी डिपॉजिट प्रोजेक्ट बताकर सरकार को ट्रांसफर करने में कुछ कानूनी पेच आ सकते हैं। RBI चुनौती दी है। सरकार ने इसकी बाकी मनी ट्रांसफर को सरकार सब्सिडी बताकर बता सकती है। इस मामले में कोई परेशानी शायद नहीं आएगी। तो अगर दोस्तों आपका भी जनधन खाता है तब आपके भी बैंक खाते में 15,000 रुपये सरकार ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपना